हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है कुंदन, जो कि दिल्ली पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल अभी वर्किंग है। तो अभी SSC GD का वैकेंसी भी आया है और ये उसे भी क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो आज हम डिटेल से सब चीज़ अच्छे से जानेंगे और इससे बेहतर कौन हो सकता है जो कि खुद सेलेक्टेड है SSC GD में और साथ में दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में। तो ये आपको बता पाएंगे कि उसमें क्या क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या क्या इन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो किया था, क्या सैलरी मिलती है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है। तो ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, SSC GD के बारे में भी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कुंदन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं कि कहाँ से हैं और ये कब से दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो हेलो कुंदन, तो अपने बारे में थोड़ा बताइए आप। मैं एक्चुअली बिहार से बिलोंग करता हूँ, अच्छा लेकिन 2017 के बाद से मैं कंटिन्यूअसली दिल्ली में रह रहा हूँ। ठीक है, तो दिल्ली आप तैयारी करने के लिए यहाँ पे आए थे, हाँ, तैयारी पर्पस मेन कर पर्पस वही था। हाँ तैयारी करने के लिए आया था। जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट होगी उसके बाद मैं तैयारी करने के लिए अच्छा, दिल्ली आ गया तो था। मेन आपका फोकस SSC कांस्टेबल था या फिर जनरल, इन जनरल कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का, जैसे सब सोचते हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन निकल जाए मैं वैसे। जब मैं दिल्ली आया था एट द बिगिनिंग, मुझे एक्चुअली ये भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट में कौन कौन सी जॉब होती है। ठीक है, अल्टीमेटली मेरा गोल ये था कि एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लेना है, हाँ लेकिन विद द टाइम मेरे को चीज़ों के बारे में पता चलती गई और जो भी चीज़ के बारे में, जो भी वैकेंसी, जो भी एग्जामिनेशन के बारे में मेरे को पता लगता था, मैं फॉर्म भर देता था। अच्छा ठीक है, ठीक देखो सबसे पहले मेरा आपका क्वेश्चन है कि आप एज ए कॉन्स्टेबल कब से जॉब कर रहे हो ये बता दो। है, एज ए कॉन्स्टेबल मैं 2022 में हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। 2022 में? ठीक हाँ, है, 7 मार्च 2022 से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई तो थी। यानी कि लगभग आपको 2 साल होने वाले हैं आप वहाँ पे जॉब में। ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं जॉब ठीक है, अब ये बताइए कि इसके लिए आपने प्रिपरेशन जो है मेन प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था? मेन प्रिपरेशन मैंने जब से लॉकडाउन आया ना, मेरे को कोविड बहुत, के टाइम हाँ से? कोविड के टाइम पे 2020 का अच्छा बहुत टाइम मिला, तो उस टाइम को मैंने एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ किया और बहुत डेडिकेशन के साथ में बिल्कुल लग कर पढ़ाई करी थी। ठीक है, आपने अब तैयारी किया, तैयारी अब कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते थे ये थोड़ा बता दीजिए आप। रिसोर्सेज के लिए लूसेंट, GK के लिए अगर कोई बंदा अगर कर रहा है ना, तो लूसेंट एक बार तो कहीं भी किसी भी टीचर से अगर उसको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है वो कर सकता है। वहाँ से करने के बाद में अपना नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए जो कि एग्जाम के टाइम पे रिवाइज भी कर सके उस चीज़ को, और उसके साथ पैरेलली आप लूसेंट के एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये दो बुक आती है, इनको रखो अपने साथ में। उस चीज़ से आप सब्जेक्टिव से पढ़ो और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और आप जैसे अगर GD का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो GD के जो लास्ट के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर हैं आपको कहीं भी इंटरनेट पे मिल जाएंगे, किसी भी मॉक टेस्ट वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करो और उसी के हिसाब से आप GK की तैयारी देखो कर अच्छा, सकते हो। इसमें तो सारे सब्जेक्ट अभी आ रहे हैं। अच्छा, इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी दोनों होता है ना? अभी तो हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों है, ऑप्शन होता है आपके पास? ऑप्शन होता है, या ऑप्शन आपको एग्जाम टाइम पे ही बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि जो चौथा पेपर है आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हो। इंग्लिश या हिंदी? एक्चुअली हिंदी में भी आपके पास अवेलेबल होता है और इंग्लिश में भी होता है, आप क्वेश्चन दोनों को देख सकते हो। लेकिन सपोज अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हो, आपने हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश के क्वेश्चन पे जाओगे तो आपने जो 25 क्वेश्चन या जो 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं हिंदी वाले, उसके जो भी आंसर आपने मार्क किए होंगे वो हट जाते हैं। ठीक अच्छा, है, जैसे आप हिंदी का आपने अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन 25 क्वेश्चन? हाँ ठीक है, बीस उसके बाद आप क्वेश्चन इंग्लिश पे गए, तो इंग्लिश में ऐसा क्या होता है कि जैसे जो भी आपने टिक किया हुआ आंसर, जो भी आपने आंसर दिया है वो हट जाता है आंसर वहाँ से। तो हमें इंग्लिश पे नहीं जाना अगर हिंदी सब्जेक्ट हाँ, में, अगर आपको पहले से इश्योर हो जाओ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन सा लेना? सब्जेक्ट देना है, जो देना है उसी का ओपन अच्छा ठीक करके है, अटेम्प्ट यानी करो, कि क्वेश्चन वहां पे कंप्यूटर पे आपका इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, दोनों। तो अगर आपको हिंदी देना है तो सिर्फ आप हिंदी देकर के सबमिट कर दो, हाँ, हिंदी देकर के सबमिट आपको करो। इंग्लिश वाले सेक्शन में हाँ, नहीं जाना इंग्लिश है। वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, आप ऐसा नहीं कि वापस भी आ सकते हो, लेकिन जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जो वो आपने सब ऑप्शन टिक किया है, वो वो हट खत्म। जाएगा। तो ये बात का बहुत ध्यान रखना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी चूज करना, अगर आपको हिंदी नहीं सही लग रहा इंग्लिश तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात होगी। अब हम इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जॉब प्रोफाइल इसका क्या है, इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, सबसे पहले ये बताइए। ऑल इंडिया या फिर कहीं भी हो सकता है? इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया पे होती है, जैसे कि इसमें 5 या 6 फोर्सेज आती हैं, तो हर फोर्सेज का अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होता है। होती है, हर हर एक फोर्स की अलग अलग, उसी के हिसाब से इनकी पोस्टिंग होती है। जैसे अगर CISF की बात CISF करूँ का? तो CISF मेजरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्री है तो हाँ, उनको एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी, हो हाँ गए। एयरपोर्ट्स हो गए या फिर आपके सी पोर्ट्स हो गए या जो भी मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे हाँ लाल लाल किला हो गया आपका, इंडिया गेट हो गया, या फिर जैसे मिंट हो गया जहाँ पे पैसे वैसे छपते हैं, जहाँ भी है वहाँ पे सिक्योरिटी देने का काम CISF करती है। अगर
बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ मेजरली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे रहती है। अच्छा, मेजरली अगर इलेक्शन होता थोड़ा है सा तो, हार्ड जॉब होगा बीएसएफ वालों का। हाँ, तो अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन ड्यूटी के लिए जाते हैं बेसिकली। लेकिन अच्छा ठीक है, तो यानी कि इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। आप अगर बिहार से भी हो लेकिन आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हो सकती है या फिर कोस्टल एरिया में हो सकती है या फिर आपको कहीं भी हो सकती है। आपका आपको कौन सा जॉब मिलता है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, आपको कौन सा जॉब मिलता है डिपेंड करता है, लेकिन वैसे आप ऑल इंडिया पोस्टिंग के लिए तैयार रहो, कहीं भी मिल सकती, कहीं भी मिल सकती है। और इसमें प्रेफरेंस अगर आपके हिसाब से भरना होगा तो किस प्रेफरेंस में लोगों को भरना चाहिए जॉब के हिसाब से। प्रेफरेंस देखो, सबसे बेस्ट इन जनरल मानी जाती है, हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन के बारे में बात करें तो CISF बेस्ट मानी जाती है, बिकॉज यहाँ पे आप फैमिली लाइफ जी सकते हो और यहाँ पे आपकी ड्यूटी आवर्स जो होती है वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है, कुछ एक केसेस को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट फिक्स होती है, तो ये बेस्ट मानते हैं। अगर सेकंड चॉइस आपको देना है तो आप SSB को दे सकते हो, बिकॉज इस फोर्स में आपका प्रमोशन जो होता है वो काफ़ी सही है। और एक तो जो पोस्टिंग होती है, जैसे इसकी पोस्टिंग नेपाल बॉर्डर पे होती है, भूटान बॉर्डर पे होती है, तो वो उतना रिस्की नहीं है एज कम्पेयर टू चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो दो प्रेफरेंस हो गए, और दो तीन प्रेफरेंस बता। अगर CRPF इन जनरल ये या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है वैसे, लेकिन इसकी जो पोस्टिंग होती है वो ऑल इंडिया होती है, इसको ऑल इंडिया पुलिस के नाम से भी जानते हैं हम। तो इनका मेनली काम होता है जहाँ भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो मतलब जहाँ पे भी ऐसी कंडीशन बन गई जहाँ पे स्टेट पुलिस से नहीं जा सकते, नहीं हो सकता, कंट्रोल हो सकता, हाँ, कोई चीज स्टेट पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे CRPF को थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा रिस्क, हाँ, रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। बाकी अगर लास्ट कौन सी ITP जो ITP की पोस्टिंग होती है वो तिब्बतन बॉर्डर पे होती है। ठीक है, ऐसे आप अपना प्रेफरेंस रख सकते हो, सबसे पहले CISF में रख सकते हो, उसके बाद SSB रख सकते हो, उसके बाद CRPF, नहीं ITP रख सकते हो क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर कम है, और यदि आपको माउंटेन वगैरह थोड़ा सा पसंद है तो ठीक है। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से, लेकिन सबसे बेस्ट आपको CISF माना जाता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको फैमिली लाइफ थोड़ा सा सही, ड्यूटी आवर्स लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर लिए, अब हम लोग चलते हैं कि आपका जो पोस्ट है, आपका है दिल्ली पुलिस में, आपका कांस्टेबल का पोस्ट है, आपका जो पोस्टिंग कहाँ होती है, परमानेंट दिल्ली में होती है दिल्ली पुलिस की पोस्टिंग? हाँ, दिल्ली पुलिस की पोस्टिंग परमानेंट दिल्ली में होती है। मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी क्लियर हुआ था और पैरेलली SSGD का भी क्लियर हुआ था, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया दिल्ली पुलिस में, तो आप तो मैंने स्किप कर दिया आगे का प्रोसेस, में आगे के प्रोसेस में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, दिल्ली पुलिस में आपकी जो जॉब लगता है थाने पे लगता है या फिर कहाँ पे लगता है? दिल्ली पुलिस में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारे दिल्ली पुलिस के यूनिट्स हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे आती है। थाने में भी लग सकते हैं? थाने में भी लग सकती है, बटालियन में भी लग सकती है, क्राइम ब्रांच में भी लग सकती है, लेकिन आपका परमानेंट जॉब जो होगा स्टार्टिंग से लेकर रिटायरमेंट तक, इसमें एक चीज है कि दिल्ली में ही रहना है परमानेंट, कहीं भी जॉब लेगी आप परमानेंट दिल्ली में ही रहोगे, एक स्टेबल लाइफ आपकी होती है इसमें। अब हम थोड़ा सा बहुत लोगों को जो बहुत अट्रैक्ट करता है सैलरी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी इसका कितना है। आपको अंदाजन बताना एकदम एग्जैक्ट नहीं कि अंदाजन दिल्ली में कितना मिलेगा और दूसरे स्टेट्स में आपको कितना मिलेगा। ये लेवल सबसे पहले कौन सा लेवल का है? लेवल 3 होता है। लेवल 3 होता है, कितना बेसिक होता है इसका? इसका बेसिक पे 21,700 होता है। आप दिल्ली पुलिस में हो या फिर SSGD के थ्रू किसी भी फोर्स में भर्ती हो, 21,700 इसका बेसिक पे होता है, लेकिन इसी बेसिक पे आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं, लाइक HRA हो गया, DA हो गया, TPT हो गया, राशन मनी। ठीक है, तो हाथ में कितना सैलरी आएगा अगर कोई ज्वाइन करता है तो अप्रॉक्स? ओवरऑल अगर कोई नया नया बंदा अगर ज्वाइन करता है तो ट्रेनिंग पीरियड में उसकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है तो उसकी सैलरी अराउंड 40K बन जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, कहीं कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है, लाइक अगर आप सिटी में पोस्टेड हो तो आपको HRA ज़्यादा मिलता है, बट अगर कहीं आप ऐसी जगह पोस्टेड हो जहाँ पे रिस्क फैक्टर है तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, लेकिन तो यानी कि 40K के आसपास, 40K ऑन एवरेज आप मान सकते हो, 40 के आसपास आपके इन हैंड है, लेकिन 10,000 आपको और मान सकते हो जो कि आपको NPS में पैसा जाता है, सरकार आपको देती है कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो भी आप ही का पैसा हो गया जो कि पेंशन के जैसा है, तो उसको भी आप टोटल ग्रॉस मान लो तो 10-50 के आसपास आपका सैलरी होगा जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं अपने ट्रेनिंग के बारे में, इसका बात किया थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं कि GD का और इसका दोनों का अलग अलग ट्रेनिंग होता है, एक ही जैसा होता है GD का ट्रेनिंग के बारे में? ऑलमोस्ट सिमिलर होता है GD का ट्रेनिंग का, एक्चुअली क्योंकि हमारे जो वहाँ पे ट्रेनर थे दिल्ली पुलिस में भी, तो वो यही बताते थे कि ऑल इंडिया में जैसे जो भी पोस्टिंग है दिल्ली पुलिस, जितनी भी स्टेट पुलिस है उनसे इसकी ठीक ठाक पोस्ट वो ट्रेनिंग होती है, इसकी अच्छी खासी होती है GD की, इसकी दिल्ली पुलिस की। हाँ, GD की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है सबसे पहले ये बताओ?
ऑलमोस्ट 9 मंथ्स नाइन मंथ की ट्रेनिंग होती है। हाँ, 9 to 10 months की ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग में क्या क्या, थोड़ा सा ये हल्का सा ओवरव्यू बता देना, कितने बजे सुबह से लेकर कितने बजे शाम तक? ऑलमोस्ट आप 17 घंटे का आप इन्वॉल्व रहोगे एक्टिविटीज में, 17 घंटे, 16 से 17 घंटे अगर गर्मी का सीजन है तो। बिल्कुल, पीटी ये वो सब चीजें सुबह से 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 6 बजे से। हाँ, सुबह वैसे ट्रेनिंग ग्राउंड पे 5 बजे जाना होता है, लेकिन ग्राउंड से पहले भी आपको अदर एक्टिविटीज लाइक जो भी आपको करना होता है वो होती है। तो आप ऐसा लगा लो कि 4, 4:30 बजे जाओगे तो फिर रात को 7, 8, 9 बज जाते हैं रोल कॉल गर्मियों के दिन में। तो खाना पीना सब वहाँ पे मिलता है? हाँ, खाना पीना अच्छी क्वालिटी होती है, मतलब जैसा आप घर का खाना खाते हो वैसा ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, जीडी की ट्रेनिंग सबकी एक जगह होती है कि अलग अलग जगह पे? अलग 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 होती है, हर एक फोर्स की अलग अलग यूनिट है। चलो ठीक है, तो और ट्रेनिंग के टाइम पे भी पैसा सैलरी मिलता है? थोड़ा कम मिलता है लेकिन मिलता है। हाँ, मिलता है। ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम, ट्रेनिंग के टाइम पे एचआरए नहीं मिलता है, बाकी एचआरए नहीं मिलेगा, 5-6 हज़ार कम मान लो, बाकी सब पैसा मिलेगा आपको और खाना पीना सब फ्री वहाँ पे मिलता है। खाना पीना वो है, खाना पीने का वो जैसे जो भी राशन मनी अलाउंस होता है ना वो नहीं मिलता है, कट जाता है उस चीज़ का। जो भी गवर्नमेंट आपको खाने का पैसा दे रही होती है जैसे ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद में, वो ट्रेनिंग टाइम पे ये चीज़ें गवर्नमेंट काट के ही देती है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं SSCGD, अब फरवरी मार्च में होने वाला भी जो नया वैकेंसी आई है, 26,000 के आसपास वैकेंसी आई है दोनों गर्ल्स और बॉयज मिलाकर के। थोड़ा सा बता सकते हो कि उनकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, अभी 3-4 महीने में कैसे तैयारी करें? अगर आप अभी रहते तो कैसे तैयारी करते हैं, फिजिकल और ये दोनों मिलकर के साथ में? देखो, मेरा ये मानना है कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, वो है कि आप उस एग्जाम के लास्ट के 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ। बहुत ठीक है, उसके बाद उस चीज को देखो और आपको उसी से पता चलेगा कि इसमें किस टाइप का लेवल का क्वेश्चन, किस टाइप का लेवल है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसी के हिसाब से एक डायरी लो, एक नोटबुक लो और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को नोट डाउन करो। ठीक है, क्योंकि हर बंदे की स्ट्रेंथ अलग होती है, तो उसी के हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाओ और एक रूटीन बना करके डेली डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करना है, हर दिन पढ़ाई करना है, 2 घंटे किसी दिन कर लिया, किसी दिन 5 घंटे कर लिया, लेकिन हर दिन पढ़ाई करना है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हर दिन तो आपको 8 घंटे पढ़ने का मन नहीं करेगा, 10 घंटे, लेकिन किसी दिन कम भी करना, लेकिन कम करो, लेकिन करो जरूर, रिवीजन नहीं करना लेकिन करो। हाँ, अभी मेरी एक पोस्टिंग भी हुई थी तो एक इंस्पेक्टर सर थे हमारे, तो उन्होंने बात बताई थी कि हमारा जो ह्यूमन का जो माइंड होता है वो हमेशा एक ही स्टेट में नहीं होता है, कभी कभी आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, कभी कभी आप लो फील कर रहे हो, तो आप ऐसी कोई भी चीज़ जो नई चीज़ पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे पढ़ना जब आप बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहे हो, लाइक आपका माइंड बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा हो, तो नई चीज़ पढ़ रहे हो उस टाइम पढ़ो। अगर लो फील कर रहे हो तो उस टाइम पे आप रिवीजन करो, क्योंकि उस टाइम पे आपके माइंड में जो बर्डन होता है वो बहुत ही कम होता है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है। हाँ ठीक है, और तो हम तेजी से ना थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। मैथ, सबसे पहले मैथ को डिस्कस करते हैं, कहाँ से शॉर्ट में एकदम 2-3 लाइन में क्या करना चाहिए मैथ में? सबसे पहले कहीं से थ्योरी पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप वही, मैंने वही बात बोली है कि अगर आप एक बार टेस्ट लगाओ, टेस्ट के हिसाब से अपने आप को एनालाइज करो कि आपकी वीकनेस क्या है। हो सकता है किसी बंदे की मैथ, अगर किसी बंदे की मैथ अगर वीक है तो शुरू से एक बार एक एक चैप्टर करके सारे जो पॉइंट चैप्टर वाइज है, पॉइंट वाइज जो भी कॉन्सेप्ट है उनका एक कॉन्सेप्ट लिखो और उस पर एक एग्जांपल लेकर के नोट्स बनाओ। ठीक है, अपने खुद के कहीं से भी कर सकते हो, यूट्यूब पे फ्री बहुत सारा कंटेंट है। हाँ, इतना कंटेंट है कि आप मतलब बहुत पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन एक जेन्युइन कंटेंट को फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करना सबसे बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि चीजें सब बिल्कुल सिमिलर है, हर टीचर सिमिलर चीजें पढ़ाते हैं, एक टीचर को आप फॉलो करके करो। एक कोई अच्छा टीचर आपको लगे उसका आराम से उठाओ, चैप्टर वाइज अपना नोट्स बना लो, उस पर 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इतना काफी है जीडी के लिए। उसी तरह से रीजनिंग के लिए भी वही होगा, रीजनिंग के लिए ऑलमोस्ट हर बंदे की रीजनिंग सही होती है। तो रीजनिंग के लिए आपको देखो जैसे 3-4 महीने है, तो एक स्ट्रेटेजी आप ऐसे बना सकते हो कि रीजनिंग में जैसे कि 3-4 महीने में 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो भी आने, तो आप अपने जो वीक चैप्टर है 4-5 जो भी होंगे उन पे काम करो, एक बार टेस्ट लगाओगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ काम करना है आपको। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी वही है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। हाँ, उसके बाद आपको आता है जीके के लिए, जीके सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है जीके का। तो जीके के लिए है कि देखो, सबसे अगर 3-4 महीने के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो स्टैटिक पोर्शन को आप ज़्यादा टारगेट करो और करंट अफेयर्स को ज़्यादा टारगेट करो, क्योंकि 20 क्वेश्चंस में से 7 से 8 क्वेश्चन इन दोनों को मिला के आने हैं। वैसे अभी जैसे मैंने TCS का ट्रेंड भी देख रहा हूँ, तो ऐसे सीन हो गया कि जितने फोल्क डांस वगैरह हो गए उनसे रिलेटेड जो पर्सनैलिटी है उनको कब कौन सा अवार्ड वगैरह दिया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, लाइक रिवर्स हो गए। तो कुल मिला के स्टैटिक पोर्शन को आपको ज़्यादा ज़्यादा
टारगेट करना है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट का एक बार क्रैश कोर्स आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, लाइक ज्योग्राफी क्रैश कोर्स, तो जो 3-4 घंटे की वीडियो आएगी उसको देखो एक बार, ठीक है, वो उन सबसे भी आपका काम हो जाएगा। अगर बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। उसके बाद है हिंदी इंग्लिश, तो आप लोग अपना देख लो, हिंदी है तो हिंदी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इंग्लिश है तो इंग्लिश भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा यूट्यूब पे आपको सर्च, या फिर कोई अगर बैच लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होगा अगर आपको कम दाम का कोई बैच मिल जाता है कहीं से GDBD का, आप वो भी ले सकते हो। क्या बिल्कुल सबसे क्या होगा, आपको कहीं पर सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको कहाँ से पढ़ना, आराम से उसको फॉलो करो, और ये मत सोचना कि इस टीचर से पढ़ के नहीं निकाला जा सकता, किसी भी टीचर से निकाला। टीचर देखो हर एक सिलेक्टेड बंदा यही बात बोलता है, और मैं भी शायद इस चीज को बहुत इसी में बिलीव करता हूँ कि 10 किताब एक बार पढ़ने से अच्छा है कि 1 किताब 10 बार पढ़ लो। हाँ। सिमिलरली यही चीज फॉलो होती है कि आप 10 टीचर से पढ़ रहे हो उससे अच्छा है 1 टीचर से 10 बार पढ़ लो, ठीक है, वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी अच्छी होगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने टीचर में विश्वास रखना होगा कि हाँ इनसे पढ़ के मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग लगभग सब चीज़ बातें कर चुके हैं, अब थोड़ा सा जॉब के बारे में भी जान लेते हैं कि जॉब कैसा, थोड़ा सा ज़्यादा टफ है कि नॉर्मल है, कैसा आपको लग रहा है, मतलब कर किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी आप जॉबलेस हो, हाँ, और एक जॉब आने से क्या क्या चेंजेज होते हैं एक लाइफ में, वो जब आपके पास एक जॉब होगी ना तभी आप उस चीज़ को फील कर सकते हो। इस चीज़ को कोई बंदा ऐसे बोल सकता है, कुछ भी बोले, मैं कुछ भी आके बोल दूँ तो उस चीज को, हाँ भाई, अगर आपके अकाउंट में जब 40,000 40-50 हज़ार रुपये सैलरी आने लगेंगे, तो जब खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, हाँ, तो एक चीज अलग खुशी है। और बाकी टफनेस तो वही है, देखो कोई चीज को एंजॉय करता है, लाइक अगर मान लो किसी बंदे का IT में सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी पोस्टिंग माउंटेन में होगी, और कितने ऐसे लोग हैं जो सिविल में जॉब करते हैं या कहीं बाहर है, तो वो पैसा खर्च करके 50-60 हज़ार रुपये घूमने जाते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, कोई सब जॉब को एंजॉय करता है और कोई किसी को बर्डन लगता है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि जो आपका लाइफ अभी जो है उससे पहले ज्यादा बेटर हो जाएगा यहाँ पर आकर के, ठीक है, डिपेंडेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे आप, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल सभी चीजें हो गई, और कुछ तो मुझे लगता नहीं है कि बाकी रहा आपके हिसाब से, और चीज तो कुछ नहीं है, बस दबा के मेहनत करो, और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। 3 महीने हैं, 3-4 महीने हैं अच्छे से। फिजिकल की तैयारी के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया कुछ भी, थोड़ा सा कर लेते हैं। फिजिकल की तैयारी कब से करना चाहिए उन्हें, अभी से ही थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करना चाहिए, लास्ट में 10-15 दिन कैसे? ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अगर कोई बंदा मेहनती है जैसे वो फील्ड में उसने कभी काम किया हुआ है, तो एक बार आप पेपर दे लो, मेरे कहने से अगर आपका पेपर अच्छा जाता है, मतलब पेपर देकर कहीं पता चल जाता है एग्जामिनेशन हॉल से आने के बाद। पेपर से कितना टाइम मिलता है हमें फिजिकल तक का? ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने मिल जाता है, अगर सारी चीजें स्मूथ चल रही है तो। वैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, अचानक से आ जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर भी 1.5-2 महीना लग जा रही है, तो टाइम है, सफिशियंट टाइम होता है। अगर कोई बंदा अगर सही ढंग से अगर स्ट्रेटेजी के साथ अगर तैयारी कर रहा है ना, तो सफिशियंट टाइम होता है। तो मेरे ख्याल से आपको पता है क्या करना चाहिए, अगर आपको देखना कि आप फिट अभी के लिए आप, हाँ, अगर आप फिट हो अभी के लिए आप स्ट्रेटेजी और पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि सबसे मेन चीज यही है। अगर आपका एग्जाम ही क्लियर नहीं हो तो फिजिकल लेकर के क्या करोगे, फिजिकल देने का। और जैसे ही आपको लगे कि नहीं मेरा क्लियर हो सकता है ठीक ठाक, तो उसके बाद आपको अपना फिजिकल की तैयारी, फिजिकल, हाँ, एग्जाम देने के बाद अगर आपको लगता है कि एक डिसेंट स्कोर आपका हो जाएगा, तो उसी दिन से बिना कोई कट ऑफ। और मैं ऐसे भी बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है ना कि मैं ठीक हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो अभी से ही थोड़ा मोड़ा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा मोड़ा कर लो, क्योंकि हाँ ये भी चीज है कि जैसे बोलते भी हैं कि जितनी बॉडी फिट होती है माइंड भी उतना सही होता है, तो आप सुबह आधा घंटा निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो चीज है आपका फिटनेस भी बना रहेगा और साथ में आपका फिजिकल का तैयारी भी होता रहेगा। आप इतना मत करो कि जितना चाहिए उसका आधा ही, मान लो आपको 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए, तो आप 1-1.5 किलोमीटर से स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, स्टैमिना बना सकते हो, क्योंकि सबका फिजिकल लेवल ऐसा नहीं होता कि सेम होता है। कोई लोग होता है कि 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद थक जाता है, कोई होता है कि 3-4 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो अगर आपको ऐसा है कि 1 किलोमीटर में थक जाओगे, तो आपको स्टैमिना तो बनाना पड़ेगा ना, तो अभी से आप धीरे धीरे करके अपना स्ट्रेंथ ग्रो करो, और आगे जब लास्ट टाइम आएगा तो अपना पूरा एफर्ट दे देना। तो हम थोड़ा सा ना इसके मेडिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मेडिकल इसका टफ होता है या फिर इजी होता है। मेडिकल इसका अच्छा खासा होता है, ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक चीज है जो कि हाँ, वो तो होगा, क्योर नहीं की जा सकती। देखो मेजरली वो ऐसी चीजें पे आपको रिजेक्ट करेंगे जो जिस चीज का इलाज पॉसिबल नहीं है। ऐसे अगर आपको कोई ऐसी डिजीज है जो कि इन फ्यूचर में आप उसको सही कर सकते हो तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी आप कर सकते हो, अपने लक के ऊपर है। हाइट तो रिक्वायरमेंट होती है इसमें, हाइट बिल्कुल रिक्वायरमेंट होती है, वो कैटेगरी के हिसाब से होती है, कुछ कैटेगरी में छूट भी होती है,
बाकी आपकी 170 हाइट होनी चाहिए और अगर फिजिकल आप रिक्वायरमेंट जो है सो हो, उतना कर लोगे तो हो जाएगा। बाकी टैटू वैटू का कोई सीन? टैटू के लिए ऐसा है कि जिस भी बॉडी पार्ट पे है ना तो उसकी विजिबल जहाँ नहीं विजिबिलिटी से मतलब नहीं है, जिस भी बॉडी पार्ट पे है उसकी साइज का 25% का से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छा, ठीक है, ये एक मेजर चीज़ है। आपका हो कोई दिक्कत नहीं अगर है, आपका पाम है तो अगर हाँ उतना लाइक 25% आपका, हाँ ही नहीं क्यों? जिस भी बॉडी पार्ट पे है उसकी साइज का 25% तक अलाउ कर देते हैं, ठीक ठीक है, है, बाकी इन सब चीज़ों से दूर ही रहो क्योंकि वही चीज़ दिक्कत है। हो जाती है थोड़ा बड़ा हाँ कभी कभी। हाँ चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच बताने के लिए हमारे जितने भी वहाँ पे देख रहे हैं लोगों को, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को, तो थैंक यू सो मच एक कुंदन। ही चीज़ बोलूँगा भाई, हाँ मेहनत करो, हाँ अगले साल की दिवाली तक वर्दी आपकी होनी चाहिए। हाँ भाई जरूर है, और इनका हम फोटो भी लगा देंगे वर्दी के साथ कैसा लगता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से तैयारी करो, और हो सकता है 26,000 वैकेंसी काफ़ी है, बहुत मेहनत वैकेंसी है, करोगे। मैं बोल रहा हाँ हूँ इन द टाइम टू कम, आने वाले टाइम में इतनी वैकेंसी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। कोई बंदा ये सोच रहा है कि आगे ज़्यादा आएगी, मत मानो भाई, लास्ट अटेम्प्ट मान करके ना बिल्कुल जी जान लगा कर कर दो, क्योंकि चलो जो पहला अटेम्प्ट में बंदा जब एग्जाम की तैयारी के हाँ, जो जोश जोश होता रहता है ना है। वो फिर बाद में नहीं आता, ठीक है, तो मेहनत करो, अगले साल तक वर्दी आपकी है, चलो बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो बाय बाय।